एसएमएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सुपारी देकर कराई गई गमछू की हत्या। तायवड़े का राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से इस्तीफा। बाहर से घूमकर आने वाले ला रहे हैं कोविड संक्रमण। देखते हैं अब खबरें विस्तार से। सुभाष साहू हत्याकांड में चर्चित हुए अपराधी महेश उर्फ गमछू लांबट की जमीन विवाद में सुपारी देकर हत्या कराए जाने का पता चला है। पुलिस ने गमछू की हत्या में लिप्त पीयूष उर्फ ददया मालवंडे सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुमराह करने के लिए ददया धमकाए जाने से गमछू की हत्या करना बता रहा है। ददया के साथ लोकेश येड ने वैभव बांधते तथा एक नाबालिग को पकड़ा गया है। गौरव रगड़े नामक साथी फरार है। याद हो कि मंगलवार की रात जूनी शुक्रवारी के गजानन चौक पर 50 साल के गमछू की हत्या कर दी गई थी। गमछू बाइक पर सवार होकर जा रहा था, उसी वक्त पहले से हथियार से लैस होकर दबिश देकर बैठे अपराधियों ने उस पर हमला किया था और उसे मारकर फरार हो गए थे। आज दोपहर ददया और उसके साथी क्राइम ब्रांच की यूनिट 3 के हाथ लग गए। ददया ने बताया कि उसकी एक साल गमछू से रंजिश चल रही थी। गमछू ने 2-3 बार उसे मारपीट कर धमकाया था। होली के दिन धमकाए जाने से ददया को गमछू द्वारा अपने हत्या करने का संदेह था, इसलिए उसने मंगलवार को ही गमछू की हत्या करना तय किया था। इसके साथ ही भी तत्काल योजना में शामिल हो गए। दोपहर को ही उन्होंने हथियार का प्रबंध किया और उन्हें पता चला था कि गमछू गजानन चौक से नियमित आना जाना करता है। मौका मिलते ही वारदात को अंजाम दे दिया गया। दूसरी खबर, डॉक्टर बबन राव तायवड़े ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार द्वारा प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद भी ओबीसी को मिला 27% का आरक्षण कायम नहीं रहेगा। इसके लिए केंद्र सरकार को संसद का विशेष सत्र आहूत संविधान संशोधन करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद ओबीसी आरक्षण के बिना 6 जिला परिषद के उपचुनाव हो रहे हैं। तायवड़े ने कहा कि वे आयोग के सदस्य के रूप में ओबीसी समाज को न्याय नहीं दे सके, इसलिए वे त्यागपत्र दे रहे हैं। तायवड़े ने कहा कि उन्होंने प्रदेश के ओबीसी कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार से बात कर उन्हें अपने फैसले से अवगत करा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जिला परिषद उपचुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के हो रहा है, यह ओबीसी के लिए बड़ा झटका है। तीसरी खबर, नागपुर जिले में गत 3 दिनों से कोविड के मरीजों का आंकड़ा दहाई के अंक में बना हुआ है। बुधवार को भी जिले में 10 नए रोगी मिले हैं। इनमें शहर के 5, ग्रामीण के 3 और जिले के बाहर के 2 हैं। आज 17 रोगी स्वस्थ हुए हैं, उनमें से शहर के 15 व जिले के बाहर के 2 हैं। देखने में आया है कि पुणे से ट्रेनिंग के बाद लौटे 12 पुलिसकर्मी पॉजिटिव आए थे। वहीं एमबीबीएस विद्यार्थियों के ग्रुप में पॉजिटिव आने के मामले में एक छात्र दूसरे शहर से घूमकर लौटा था। केरल से लौटे एक नर्स के परिवार के सभी सदस्यों के संक्रमित होने की खबर है। ऐसे में डॉक्टरों ने सलाह दी है कि शहर में रहने या बाहर जाने की स्थिति में भी कोविड नियमों का सख्ती से पालन करें। जिले में 72 सक्रिय मरीज हैं, इनमें से शहर के 47, ग्रामीण के 23 और जिले के बाहर के 2 हैं। आज जिले में 4,228 नमूनों की जांच की गई। संक्रमण दर 0.24% रहा है। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहे और देखते रहे एमएनएस न्यूज लाइव। नमस्कार।